हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में देखने वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट में हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हम वाटर क्यूरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, मिक्सिंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा होना चाहिए ये हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे, ठीक है, ये वीडियो क्लॉज 5.4 के ऊपर है और पिछला वीडियो जो था क्लॉज नंबर 5.3, ठीक है, वो जो कि एग्रीगेट्स के ऊपर था। और उससे पहले भी मैंने क्लॉज नंबर 5.1 सीमेंट एंड इसके टाइप उसके टाइप्स के बारे में बताया था, और क्लॉज नंबर 5.2 और क्लॉज नंबर 5.5 जो कि मिनरल एडमिक्सर्स के ऊपर था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्लॉज है 5.4 वो IS 456-2000 इस आईएस कोड में सेक्शन 2 जो कि मटेरियल वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के ऊपर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो वाटर इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन कंस्ट्रक्शन एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट एंड क्यूरिंग वर्क। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन साइट में हमें वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है? मोर्टर बनाने के लिए, ठीक है, कंक्रीट बनाने के लिए और क्यूरिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में देखो द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए मोर्टार एंड सीमेंट कंक्रीट इन अ कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर जो जैसा होगा वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, मतलब कि हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छा है तो स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी अच्छी ग्रेन होगी। ठीक है, और अगर क्वालिटी ऑफ वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज है, ठीक है, वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज है तो स्ट्रेंथ हमें उतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में द वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड द क्यूरिंग मस्ट फ्री फ्रॉम हाई क्वांटिटीज ऑफ अल्कलाइज। ठीक है, मतलब कि वाटर अल्कलाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एसिडिक नहीं होना चाहिए, बाद में ऑयल फ्री होना चाहिए, शुगर फ्री होना चाहिए, साल्ट कंटेंट कम उसमें कम होना चाहिए, बाद में ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी उस वाटर में उसका कंटेंट कम होना चाहिए। ठीक है, उसके भी कुछ लिमिट्स होते हैं जो कि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। बाद में वेजिटेबल ग्रोथ उस वाटर में कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ये सब चीज़ें डायरेक्टली कॉन्क्रीट, ठीक है, डायरेक्टली ब्रिक्स, कॉन्क्रीट एंड आयरन, ठीक है, इन तीन चीज़ों पे इफेक्ट करती है। ठीक है, इन तीन चीज़ों के लिए वो हार्मफुल होती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज कम होनी चाहिए वाटर्स में, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखो इम्प्योरिटीज इन द वाटर कैन कॉज ए मेटेलिक करोजन। ठीक है, क्या होता है मेटेलिक करोजन? अगर वाटर में इम्प्योरिटीज है तो मेटेलिक करोजन होता है। ठीक है, बाद में देखो उस मेटेलिक करोजन से क्या होता है, देखो देखो अफेक्ट द हार्डनिंग प्रोसेस ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक है, हार्डनिंग प्रोसेस ऑफ द कॉन्क्रीट को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली 25% से रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अगर मेटेलिक करोजन होता है, अगर वाटर में इम्प्योरिटीज है, ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ गेन होनी है वो डायरेक्टली 25% से कम हो जाती है। ठीक है, देखो उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस दिए हैं कि हम कौन कौन से वाटर कौन सा वाटर यूज़ करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिकेशन उन्होंने आईएस कोड में दिए हैं जो कि पेज नंबर 14 पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पर भी देख लो आप। ठीक है, तो जो वाटर हम यूज़ करने वाले उसमें से हम 100 ml सैंपल लेंगे। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज दी 100 ml ऑफ सैंपलर बाई यूजिंग द फिनॉफथेलिन इंडिकेटर। ठीक है, तो 100 ml सैंपल लेंगे और उसको हम फिनॉफथेलिन इंडिकेटर, ठीक है, फिनॉफथेलिन इंडिकेटर से न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करते वक्त जो कि हम NaOH 0.02 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन यूज करने वाले, उसकी जो क्वांटिटी है 5 ml से कम होनी चाहिए। ठीक है, 5 ml से कम होनी चाहिए, 5 ml से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा लगेगी तो वो वाटर जो है ना वो प्रेफरेबल नहीं होगा कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, बाद में देखो टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ वाटर यूजिंग मिक्सड इंडिकेटर इट शुड नॉट रिक्वायर मोर देन 25 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4। सेम ऐसे ही कंडीशन है, 100 ml ऑफ सैंपल हम लेंगे और उसको हम मिक्स इंडिकेटर के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, मिक्स इंडिकेटर के साथ हम न्यूट्रलाइज करेंगे, और उसमें जो
इन H2SO4.0 टू नॉर्मल H2SO4 का जो सॉल्यूशन हम डालने वाले वो 25 ml से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो वाटर प्रेफरेबल होगा कंस्ट्रक्शन के लिए। बाद में एक और कंडीशन है, ठीक है, देख लो। इस कंडीशन में देखो उन्होंने क्या दिया है, एवरेज 20 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 3 क्यूब्स ऑफ 150 mm प्रिपेयर्ड विद द वाटर प्रपोज्ड टू यूज शैल नॉट लेस देन 90% ऑफ एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 सिमिलर कॉन्क्रीट क्यूब प्रिपेयर्ड विद डिस्टिल्ड वाटर। इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, 150 mm के 3 क्यूब्स प्रिपेयर किए, ठीक है, जो वाटर हम यूज करने वाले उसके साथ, और सेम वैसे ही क्यूब उन्होंने प्रिपेयर किए हैं लेकिन डिस्टिल वाटर के साथ, ठीक है। बाद में इन दोनों की उन्होंने स्ट्रेंथ चेक की, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी एवरेज स्ट्रेंथ अगर हम पकड़ेंगे तो, और इसकी एवरेज स्ट्रेंथ अगर पकड़ेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो नॉट लेस देन 90% ऑफ दिस स्ट्रेंथ, ठीक है, इसके 90% से भी अगर इसकी कम हो जाएगी तो वो वाटर प्रिफरेबल नहीं है, ठीक है। बाद में देखो पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर शैल नॉट बी लेस देन 6, ठीक है, अगर 6 से कम है पीएच वैल्यू तो वो वाटर भी प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि उसमें अल्कलाइन कंटेंट होगा। बाद में देखो मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ द कॉन्क्रीट विथ सी वाटर, ठीक है, समुंदर का जो पानी होता है वो, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ क्यूरिंग ऑफ ए कॉन्क्रीट विथ सी वाटर इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द हार्मफुल साल्ट इन अ सी वाटर, ठीक है, अंडर अवॉइडिंग द सर्कमटेंस सी वाटर मे बी यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग इन अ प्लेन कॉन्क्रीट, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम सिर्फ प्लेन कॉन्क्रीट में, लेकिन ये नॉट प्रिफरेबल है क्योंकि इसमें बहुत सारा साल्ट कंटेंट होता है जो कि हमारे कॉन्क्रीट और मिक्स मिक्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ परमिसिबल लिमिट्स देख लेते हैं, परमिसिबल लिमिट्स फॉर दिस सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड इन द वाटर में उन्होंने दिया है, ठीक है, वाटर सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट अगर वाटर में होगा तो उसकी परमिसिबल लिमिट क्या होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो 200 mg पर लीटर, पर लीटर में 200 mg ऑर्गेनिक कंटेंट होगा तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो वो हम यूज नहीं कर सकते। और ये उन्होंने स्पेसिफाइड कहाँ से किया है, IS 3025 Part 18 में, ठीक है, IS 3025 Part 18 में। बाद में सेकेंड इज इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक है, वो भी स्पेसिफाइड है IS 3025 Part 18, और इसकी परमिसिबल लिमिट है 3000 mg पर लीटर, ठीक है, पर लीटर में 3000 mg उसकी लिमिट है। उसके बाद में सल्फेट, जो कि सल्फेट एज ए SO3, ठीक है, ये स्पेसिफाइड क्या है IS 3025 Part 24 में, ठीक है, Part 24 में, और उसकी परमिसिबल लिमिट उन्होंने दी है 400 mg पर लीटर, पर लीटर में 400 mg कंटेंट ऑफ सल्फेट इज वैलिड, अगर उससे ज्यादा होगा तो वो प्रेफरेबल नहीं है। बाद में क्लोराइड्स में देखो, क्लोराइड एस Cl, उसमें देखो IS 3025 Part 34 में उन्हें स्पेसिफाई किया है अगर 2000 mg पर लीटर कंटेंट है फॉर दी नॉर्मल कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट जिसमें स्टील प्रोवाइड नहीं किया, तो उसकी परमिसिबल लिमिट 2000 mg पर लीटर है, ठीक है, क्लोराइड कंटेंट की, और जिसमें स्टील कंटेंट है उसमें उसकी परमिसिबल, क्लोराइड कंटेंट की परमिसिबल लिमिट होगी 500 mg पर लीटर। ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए बाद में। उसके बाद में लास्ट वन सस्पेंडेड मैटर, ठीक है, उसमें देखो ये जो सस्पेंडेड मैटर की स्पेसिफिकेशन दिया है IS 3025 Part 17 में दिया है, और उसकी परमिसिबल लिमिट उन्होंने दी है 2000 mg पर लीटर, पर लीटर में 2000 mg पर इसकी परमिसिबल लिमिट है सस्पेंडेड मैटर्स की, ठीक है। तो ये जो परमिसिबल लिमिट उन्होंने प्रोवाइड की है ये आपको आईएस, ये आपको मिल जाएगी IS 456 2000 में, जो कि उन्होंने पेज नंबर 15 पे दिया है, ठीक है, ये चीज़ आपको पेज नंबर 15 पर भी मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि हम देखने वाले थे क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा होना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पे,
और इसके बाद में जो जैसे कि हमने अभी देखा, ठीक है, जैसे कि हमने अभी क्लॉज नंबर 5.4 देखा, ठीक है, क्लॉज नंबर 5.4 देखा, और क्लॉज नंबर 5.4 के बाद क्लॉज नंबर 6 जो कि टोटली बेस्ड है कंक्रीट, और कंक्रीट में मैंने देखा है कि वहां पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट और कंक्रीट की एज स्ट्रेंथ ऑफ द एज एज पर दी उन्होंने दिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो उसके बनाई है, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक दे रखी है। तो डायरेक्टली हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो क्लॉज नंबर 7 के ऊपर होगा। तब तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।